जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड अयोध्या। तो फ्रेंड्स, आज मैं कटहल से बनी इस रेसिपी को आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कटहल को काट लिया है और इसे अच्छी तरीके से धुल लिया है। अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में इसे उबालना है। तो मैंने सारे कटहल को कुकर में डाल दिया है और एक गिलास पानी डाल दिया है और आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच नमक डाल दिया है और सिर्फ एक सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। जब तक सीटी आ रही है तब तक हम दाल पीस लेते हैं। तो ये एक कटोरी उड़द की दाल और एक कटोरी चने की दाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और दाल बहुत अच्छी तरीके से फूल गई है। अब इसे हम मसल कर इसका छिलका उतार लेंगे और ये देखिए, मैंने इसका छिलका उतार लिया है और दाल को पीस लिया है। अब दाल में हम थोड़ी सी हींग मिला देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिला देंगे, आधा चम्मच गरम मसाला मिला देंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और एक चम्मच सब्जी मसाला डाल देंगे और आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। और उसके बाद मैंने हरी मिर्च और लहसुन को बारीक काट कर इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पर जीरा डाल दिया है और इन सब मसाले को हम अच्छी तरीके से दाल में मिला देंगे। तो पहले हम दाल में मसाले को अच्छे से मिला देते हैं, उसके बाद हम कटहल को भी इसमें डाल देंगे। कटहल उबल चुका था और ये ठंडा हो गया है कटहल, गरम गरम कटहल इसमें मत डालिएगा। जब कटहल ठंडा हो जाएगा तब इसमें मिलाएंगे और कटहल को मसल देंगे दाल में और इसके बीज को हम नहीं निकालेंगे। इस पकौड़े में हम बीज को भी रखेंगे, ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो कटहल को मैंने मसल कर इसमें मिला लिया है और अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। जब तेल गरम कर लेंगे तब इसमें हम नमक मिलाएंगे। तो मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक मिला लिया है और जब तेल गरम हो जाए तब इसमें नमक मिलाकर फेंट लीजिए अच्छे से। और पहले से इसमें नमक डाल देंगे तब दाल पतली हो जाएगी। अब हाथों में हम पानी लगा लेंगे और जितने बड़े आपको बनाने हैं उतना इसमें से आप ले लीजिए। और ये देखिए, आप चाहे इसे बड़े के शेप में बनाइए या फिर इसे गोल गोल भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे बड़े के शेप में बना लिया है। अब हम फ्राई करते हैं। तो मैंने सरसों के तेल में इसे फ्राई किया है। तो सरसों के तेल में ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और तेल जब अच्छे से गर्म हो गया था तब इसमें मैंने डाल दिया है और हाई फ्लेम पर इसे मैंने तल लिया है। ये ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहते हैं और ये चटपटा टेस्ट इसका आता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब उलट पलट कर मैंने अच्छे से इसे पका लिया है और ये अच्छा सुनहरा रंग हो गया है। अब इसे हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स, कितना टेस्टी लग रहा है, ऊपर से एकदम कुरकुरा है। इसी तरीके से मैंने और वड़े को भी तेल से बाहर सब निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है ये देखने में। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, जितना देखने में टेस्टी है उससे ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। और मैंने सारे वड़े को इसी तरीके से बना लिया है और मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अंदर से कितना सॉफ्ट है और गर्म गर्म ही आप खाइए इसे, ये बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।